जय वैभव लक्ष्मी माँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को वैभव लक्ष्मी जी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए भक्तों श्रवण करते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत घर में सुख समृद्धि की कामना को पूर्ण करता है। यदि आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, घर में धन रुक नहीं रहा है, प्रयास करने पर भी काम नहीं बन रहे हैं, तो 11 या 21 शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने का संकल्प लें। यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है, इसलिए यदि किसी कारणवश 11 या 21 शुक्रवार के व्रत के बीच आप किसी शुक्रवार को व्रत नहीं कर पाए, तो माफ़ी मांगकर उस व्रत को अगले शुक्रवार को रख लें। वैभव लक्ष्मी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। व्रत शुरू करने से पहले अपनी उस मन्नत का उल्लेख अवश्य कर दें जिसको पूरी करने के लिए आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं। अब भक्तों, मैं आपको वैभव लक्ष्मी जी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे, सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयाँ बढ़ गई थी, शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूं। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है, माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। मांझी ने शीला को लक्ष्मी पूजन सामग्री के बारे में भी बता दिया। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरदल लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके
आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि मांझी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया और महालक्ष्मी जी की आरती की। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।